सभी को नमस्कार। YouTube चैनल पे आज हम आपको पौधों की कटिंग के बारे में सिखाएंगे, कटिंग से कैसे हम अपना पौधा ग्रो कर सकते हैं। तो ये एक पौधा है जो हम एक डाल तोड़ के लाए थे। डाल ये देखो इस तरीके से, डाल स्टैंड थोड़ी सी हैवी लानी चाहिए, ये थोड़ा सा कम है मगर चल जाएगा। ये भी हम ग्रो करके दिखलाएंगे आपको। आज फर्स्ट वीडियो डाल रहे हैं हम लोग कटिंग के द्वारा। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए हमें सामान, पहले तो एक हमें ब्लेड इस तरीके से बिल्कुल साफ सुथरा ब्लेड चाहिए, एक नाइफ भी चाहिए, एक रूट हॉर्मोन्स। ये रूट हॉर्मोन्स है, ये ज़्यादा महंगा नहीं है, वो 30-35 रुपए का आता, मिल जाता है रूट हॉर्मोन्स। इससे जल्दी रूट डेवलप हो जाते हैं और कुछ नहीं है, इससे फ़ायदा ये होता है कि जल्दी रूट डेवलप हो जाते। तो ये चाहिए। और एक गिलास में थोड़ा सा पानी, जिसमें कि फंगस उसके लिए डाल दिया जाता है कि इसमें फंगस ना लगे, इसके जड़ें ना ख़राब हों। तो हम पहले हम दिखाते हैं, हमने ये रूट ले लिया है, हमने अपना ब्लेड निकाला इस तरीके से। ब्लेड को बहुत सावधानी से पकड़ना है। और हमने ये जो पत्तियां हैं छोटी छोटी, इन सबको निकाल देनी है। ये जो बड़ी बड़ी पत्तियां हैं इनके, सिर्फ ऊपर की पत्तियां रहने दो बस, ये बड़ी बड़ी पत्तियां, क्योंकि रूट डेवलप होती तो उसमें हार्मोन्स उसको चाहिए। तो ये बड़ी बड़ी पत्तियां सारी निकाल दी हमने, जितनी भी हैं सब निकाल दी है। तो ये इस तरीके से, ये जितने भी सारे निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्योंकि हमें सिर्फ ऊपर का ही थोड़ा सा हिस्सा छोड़ के रखना है हमें, जैसे ये हमने छोड़ दिया है, जिससे कि हमें पता चले नई ग्रोथ हो रही मेरे पौधों में। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा मेहनत करने की बात है बस, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ ऐसा करना है। तो ये हमने सारी पत्तियाँ निकाल दी, बड़ी बड़ी पत्तियाँ जितनी भी हैं। और फिर अब इसमें क्या करना है हमने, तो ये सब निकल गई है, अब इसमें नई ग्रोथ होगी तो आएगा। अब हमने क्या करना है, नीचे का स्टैंड पकड़ा और इसको हमें कलम की साइड, जैसे हम बचपन में कलम बनाते थे उस तरीके से काटना हमें, एक कलम की तरह से हमने काट दिया इसको। और थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना, पर थोड़ा सावधानी से काटना है इसको कलम की तरह, और थोड़ा सा इधर छिल भी देंगे इसको यहाँ से, कि जिससे अपना वो बने थोड़ा जल्दी से हो जाए। अब इसको हमने अपने पानी में मिला दिया, थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए डाल दिया, अपना रूट हार्मोन्स खोला। रूट हार्मोन्स में सिर्फ हमने ऐसे एक बार ऐसे घुमा देना है इस तरीके से, ये रूट हार्मोन्स लग चुका है, ये सिर्फ रूट्स के लिए है कि रूट हार्मोन देखो ये लग चुका है इस तरीके से। और अपने गमले में हमने इसको करीबन 4 इंची तक अंदर, एक हमने अपने नाइफ से बना दिया, नाइफ से बना करके हमने अपने गमले के अंदर 4 इंची के करीब इसको अंदर तक घुराव कर देंगे। और इसको इस तरीके से दबा भी देंगे, क्योंकि ये हिले ना, हिलेगा तो रूट्स नहीं बन पाएगा, हिलना नहीं है इसको, इसको हिलना नहीं चाहिए। हमने इतना तो काम कर दिया, थोड़ा सा ऐसे गोड़ भी देते हैं, थोड़ा गुड़ाई कर देते हैं मिट्टी में, ऊपर नीचे हो जाए, थोड़ी नमी बनी रहे। इसमें ज़्यादा कि थोड़ा सा नमी बनी हुई है, और ऐसी मिट्टी लेनी चाहिए जो जैसे हमने तैयार कर रखी थी मिट्टी पहले से, इसको पानी वानी डाल करके पूरा तैयार कर, जो मिट्टी बैठनी थी वो नीचे बैठ चुकी है गमलों में, गमलों के चारों तरफ लग चुका है। अब इसमें क्या करेंगे आगे, अब इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, एक टेम्परेचर को थोड़ा मेंटेन करने के लिए एक पन्नी ले लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से, और इसको पूरा कवर कर देंगे, जिससे कि ये पूरा कवर हो गया है ये, आपने देखा ये पूरा कवर हो चुका है।
और इसको इस तरीके से ढक देते हैं। इससे करीबन हमें 15 से 20 दिन तक जो नए रूट निकलने लग जाए तब हमें इसको चेंज करना है, ठीक है। फिर 15 दिन बाद इसको अपडेट करूँगा आप लोगों के सामने नेक्स्ट वीडियो में कि इसमें कैसे कैसे ग्रोथ हुआ है।